एक ऑटो चालक द्वारा लगाई गई आरटीआई का जवाब ना देने पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने रेवाड़ी पुलिस पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 18 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया। आपको बता दें, रामोतार नाम के एक ऑटो चालक ने पुलिस विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत गत 31 जनवरी को जवाब मांगा था कि शहर में कितने ऑटो चल रहे हैं और रेवाड़ी पुलिस ने कितने का रजिस्ट्रेशन किया है, जिसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। इसके बाद रामोतार ने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को शिकायत की और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अवशी गुलाटी ने रेवाड़ी पुलिस के आरटीआई अधिकारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 18 दिसंबर तक जवाब देने के आदेश दिए। ये सर 2010 से 2015 पुलिस एक दिन छोड़ एक दिन ऑटो चलवा रही है शहर में, और मेरा करीबन 2013-14 में इन्होंने एक चालान कर दिया था, जिससे तंग आकर मैंने इनसे ये आरटीआई लगाई। मैंने 31-1-2015 को ये आरटीआई लगाई थी, इन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, मेरे को कह दिया का आरटीओ बताएंगे। फिर मैंने फर्स्ट अपील की एसपी साहब को, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर मैंने स्टेट कमिश्नर साहब को अपील लगाई, तब कमिश्नर साहब ने इन्होंने ये 2,000 रुपये डीएसपी वीरेंद्र सिन्हा पे लगाए हैं और ये फैसला रिजर्व रखा है, और ये 18-12-2000 के बाद में ही अगर ये 2,000 रुपये नहीं देंगे तो कमिश्नर साहब कोई और फैसला। रेवाड़ी से अजा टीवी न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।